लोहरदगा शहर के पावरगंज मध्य विद्यालय में पदस्थापित राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक किशोर कुमार वर्मा ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्वाग्रह होकर स्थानीय जिला शिक्षा अधीक्षक उन्हें परेशान कर रहे हैं। लगातार प्रताड़ना से विवश होकर 11 सितंबर को शिक्षक डीएससी के विरुद्ध धरना दिया। इस संदर्भ में पीड़ित शिक्षक किशोर कुमार वर्मा ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक अखिलेश चौधरी के दमनात्मक कार्यवाही भयादोहन कर रहे हैं। व्यक्तिगत विद्वेष की भावना से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को अपमानित करने, पेंशन आदि कार्यों में बाधा उत्पन्न कर विभागीय कार्यवाही की धमकी देकर प्रताड़ित करने की कार्यशैली जाहिर है। इसके विरोध में 11 सितंबर शनिवार को 12 बजे से 4 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक सत्याग्रह हड़ताल कुमार वर्मा द्वारा जिला समाहरणालय के मैदान में धरना करने का निर्णय लिया गया है। हाईकोर्ट से स्टेटस को का जीता था, उसके बाद मैं बराबर विभाग के द्वारा गया, नहीं कोई सुनवाई हुई तो मैं आरडीडी जो क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कहलाते हैं रांची के, उनसे मिला। उन्होंने बोला कि भाई आप क्यों इस ढंग से बात कर रखना चाह रहे हैं। हम तो उन्होंने बताया उनको कि सर हम मैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हूँ, अब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, विभाग ऐसा कर रहा है। कल दिन ये संदेश गलत जाता है शिक्षकों में कि भाई एक राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित शिक्षक के साथ अगर अन्याय होगा, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो दूसरों में मनोबल टूटता है शिक्षकों में, इसलिए मैं इनका अनुपालन करने के लिए कर रहा हूँ सर। उन्होंने हमारी बात को समझे और उसके बाद में पत्र दिए डीएससी को, डीएससी उस पत्र को मानने से इनकार कर गए। तब फिर मैं पुनः आरडीडी महोदय पास गया कि ऐसे ऐसा बात है, और उसके बाद में फिर पत्र उन्होंने दिया। उसके बाद डीएससी जो हमको बोलते हैं कि भाई आप उच्चाधिकारी पर क्यों चले गए। तो देखिए सर, मैं शिक्षक हूँ और राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मत हूँ और राष्ट्र निर्माता शिक्षक कहलाते हैं। देख, ईमानदार शिक्षक के लिए इज्जत सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और जहाँ इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो वहाँ जीने से क्या फायदा है सर। ऐसा विभाग में काम करेंगे, हमारे पदाधिकारी ही शिक्षा विभाग के प्रताड़ित करते रहेंगे, हमको बार बार दुखी करते रहेंगे, तो ऐसा जीने से अच्छा क्या है सर। इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं की जाएगी तो आम पब्लिक, आम शिक्षक का क्या सुनवाई करेंगे। इसलिए मैं बोला कि अमरनसन में बैठूंगा, सांकेतिक सत्याग्रह करूंगा, अमरनसन में बैठूंगा पूरा परिवार के साथ में, उसके बाद में दावी कर लूंगा सर। एक्चुअल में आर्थिक शोषण में नहीं हुआ, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग के पदाधिकारी द्वारा। कौन कर रहा है? नाम अखिलेश कुमार चौधरी जी, डीएससी, जिला शिक्षा पदाधिकारी अधीक्षक महोदय।